बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज मैं आया हूँ इस जगह पे जिधर मेरा बचपन भी गुजर चुका है। और क्यों आता हूँ इधर ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इधर की जो खूबसूरती है, खामोशी है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि इधर आता बंदा कितना सुकून सुकून में आता है। ये ऐसी एक सोसाइटी जहाँ मैं बचपन में सारा गुजर चुका है, और इसलिए इसके इधर आता हूँ कि मुझे अपना बचपन याद आता है। तो आप लोग चलिए आइए, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कौन कौन सी यहाँ पे जगह है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख के आपको पसंद आएगी, आप लोग भी दिल चाहेगा कि यार ऐसी जगह भी हम लोग जाए। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि चलो आप लोग भी देखो। तो शायद मुझे अच्छा लगता है या आप लोग भी अच्छा लगता है, मुझे कमेंट में जरूर। तो आइए यार, जब बंदा दुनिया की शोर से तंग आ जाता है ना, तो मैं यहाँ की जो खामोशी है उसको अपनाता हूँ, ठीक है जी। तो इधर की जो खामोशी है मेरे लिए इतना सुकून से बन जाती है कि मैं दुनिया की जो टेंशन होती है वो मेरे दिमाग से निकल जाती है। कुछ लम्हे के लिए मुझे अपना वक्त याद आ जाता है। तो मैं तो खामोशी पसंद इंसान हूँ। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह लगता है तो आप लोग भी इधर आओ, ऐसी खामोशी जगह पर बैठो ताकि आपकी कुछ दूर जो टेंशन है वो दूर हो आपकी, ठीक है। मुझे तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और इधर की खामोशी अच्छी जो जगह है मुझे बहुत अच्छी लगती है। खामोशी है यहाँ पे, बंदा जितना मर्जी देर बैठ सकता है, सुकून से अपनी बातें शेयर कर सकता है, अपने आप कहानी में बातें कर सकता है। आप लोगों को भी लगेगा यार बाकी अच्छी जगह है, सुकून से कोई शोर नहीं, दुनिया की छोर सारी जगह जाके बैठ सकता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे कोई सही दबाव हो या दिन को टेंशन हो बैठी हो या मैं, तो मैं वाला क्या करता हूँ सिंपली आता हूँ, उसे बैठा हूँ चाय पी रखता हूँ, अपने आप ही बंदा की टेंशन दूर हो जाती है। मैं तो ये बाइक में आपको भी आप लोग भी आए ऐसी जगह पर आपको ये देखो कितने दरख्त हैं मेरे पीछे, ये देख रहे हो, ये ऊपर आपको दिखा रहा हूँ दरख्त, देख रहे हो आप ये दरख्त ही दरख्त हैं। इधर मैं देख रहा हूँ कितना सुकून से आगे बैठूँगा और मज़ा आएगा यार यहाँ पे दिन भी बैठने का, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। साथ थोड़ा बहुत मैं खा भी लेता हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि खाली खाली पेट बैठ के मैं इतना ही दूर नहीं होता, ठीक है जी। अब आगे वहाँ बैठता हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ उस जगह पर बैठता हूँ, ये जगह है आगे थोड़ी थोड़ी आपको जगह दिखा दूँ ताकि ये इधर कितनी कितना सुकून मिलता है बंदे को। कोई शोर नहीं, कोई गाड़ी की ट्रैफिक नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई टेंशन नहीं, सुकून से आगे बंदा बैठता है, फिल्म हॉल होकर फिर बंदा फ्रेश व्रेश अपने घर जाता है। अगर आप देखो ये अब मैं चिड़ियों की आवाज़ है, हाँ हाँ बिल्कुल सुकून दे देती है। ऐसे बंदे चीज़ें ढूंढता होता है कि यार ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं, कोई जगह ऐसी मिलती है जो हम अपनी तनाई को दूर कर सकते हैं। मुझे तो बहुत सुकून आ रहा है, जितना चिड़िया की आवाज़ें कितनी सुकून दे, अब मैं ये चीज़ भी खाऊंगा मज़ा भी आएगा यार। तनाई कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गर्दी कोई नहीं, टेंशन हमें सुकून से चल रहा हूँ, कोई दबाव नहीं है यार। मुझसे तो कुछ सब्र नहीं हो रहा, मुझे लगता है मुझे खोल लेना चाहिए। हाँ हाँ मुझे भूख बहुत लग गई यार। वो जगह है हमारी, अब यहाँ पे अगर मैं बचपन में भी यहाँ पे आके बैठता था, जब मामा से मार पड़ती थी यहाँ आके बैठता था मैं, कुछ कुछ चीज़ें साल ले लेता था मैं कि यार मैं अपने रोने धोने को दूर करूँ। अरे पापा से डांट पड़ेगी यार, मैं इधर ही आके बैठता था। ये है मेरी फेवरेट जगह। अबे इसको क्या हुआ, ले लगता है बुखार आ गया लगता है इधर, मुझे लगता है अब साफ खुद ही करना पड़ेगा। जगह ढूंढते हैं सही से, वो है बारिश बहुत हो रही है ना दिन में, बहुत ज़्यादा बारिश हुई कल रात को भी सुबह भी, तो इसी वजह से ना थोड़ी सी टेबल थोड़ी सी ना गीली हो गई है, यहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि सर्दी भी है यार। तो अपने आप को तो सर्दी लगवानी, ये देखो पानी देख रहे हो आप, बारिश लगता है काफ़ी हुई है, ये भी गीली है यार। टेबल चेक करनी पड़ती है क्योंकि अगर सेफ जगह ढूंढेंगे ना तो बैठ पाएंगे ना, अगर गिली जगह पे बैठ के पता नहीं होगा कि हम क्या करें। ये भी टेबल लगी है, कौन सी टेबल,
ऐसे ही ना मैं टेबल चेक कभी कभार बारिश हो गई तो टेबल चेक करनी पड़ती है कि गीली तो नहीं, तो टेबल चेक करते हैं तो ये भी गीली है यार। अबे बैठे है कहाँ बंदा? हाँ इसके ऊपर बैठते हैं, यही तो चीज है, यहाँ बैठेंगे हम खाली है ना। हम यार क्या करते हैं अक्सर लोग की पला क्या करते हैं, ये बोतल पी ली और ऐसे फेंक दी, ये एक मेन पॉइंट है। हम इस बोतल को ऐसे नहीं फेंकते, हम इस बोतल को ये रखा और इसको ऐसे किया, करते गए करते गए करते गए करते गए। ये इस बोतल को हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे, इस बोतल की जो रैपर है इसके अंदर डालेंगे। अब इसकी हम सेफ जगह ढूंढेंगे, कोई डस्टबिन ढूंढेंगे उसके अंदर डालेंगे इसको, और ये ताकि कोई माहौल गंदा ना हो। ये मैंने इसलिए किया है कि कई लोग होते हैं जो बोतल को फेंकते तो वही बोतल भर के फिर दे देते हैं आपको, जरा सी भी होते हैं अपनी हिफाजत करेंगे या दूसरों की हिफाजत करेंगे। हमें इस ना करो इसको ताकि ये किसी के काम ना आए, ये डस्टबिन में जाएगी दोबारा नहीं फिर बोतल बनेगी। ये देखो डस्टबिन देख ली है, अब इस डस्टबिन को मैं फेंकूँगा ताकि आप लोग ही देखिए इस बोतल को किस तरह ज़ाया करना है, ताकि किसी की दोबारा काम ना आए। इस तरह का काम करो कि यार अपनी अपनी भी तो हिफाजत करो दूसरों की भी हिफाजत करो, ये हम अपने खुद चीज़ों को साफ करेंगे। ठीक है तो गाइस इंसान से गलतियाँ होती हैं, अपने से भी होती हैं दूसरों से भी होती हैं, ये नहीं एक तरफा सोची जाए दोनों तरफा सोचें। ठीक है तो अगर इस तरह की कोई जगह मिलती है आप लोगों को तन्हाई में बैठ के, घर वाले से अगर नाराज़ भी हो गए या कुछ भी हो गया आपके दिल में कोई भी बात है आप तन्हाई में आगे बैठ सकते, अगर आपके पास तन्हाई वाली जगह नहीं है तो ऐसी कोई जगह ढूंढना जहाँ आपको कोई जानता ना हो, कहीं आपकी तन्हाई आप भी दूर हो जाए। ठीक है आप इस तरह करो जिस तरह मैं आगे बैठा हूँ आज, मेरा तो मैं बहुत सुकून में आ गया क्योंकि मेरा बहुत हल्का हो गया। ठीक है तो आप लोगों को बेसिकली यही दुआई थी, तो आप ही इस तरह की कोई जगह ढूंढें, अगर कोई जगह नहीं मिल रही तो कोई ऐसी सेपरेट जगह ढूंढ लें जहाँ पे आपको कोई तंग ना करें। ठीक है कोई आपको जानता भी ना हो, देखो ना कितना सुकून है मुझे। तो इंशाल्लाह ताला दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो पे आगे इंतज़ार कीजिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है लाइक और याद रखना मेरा ब्लॉग, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। Oh,